दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिट्टी के दिए, बर्तन और साज सज्जा के सामान बनाने वालों ने कहा, हमारा सामान कर रहा है चाइनीज सामान का मुकाबला। दरअसल बाजार में त्योहारों पर साज सज्जा और दूसरे सामान के लिए आर्टिफिशियल और चाइनीज सामान की काफी भरमार है, जिसकी वजह से आम लोग जो मिट्टी के इको फ्रेंडली दिए, गुल्लक, प्रतिमाएं, दिया आदि बनाते हैं, उनकी सेल बिल्कुल कम हो गई है, क्योंकि ये सब चाइनीज में काफ़ी रंग बिरंगी और सस्ता मिल रहा है। जिस तरह से साज सज्जा चाइनीज सामान की होती है, उसी तरह की साज सज्जा इन देश में बने मिट्टी के सामान की भी करनी शुरू कर दी है। साथ ही ग्राहकों ने भी बताया कि यदि सरकार सब्सिडी आदि देकर देश के सामान को प्रोत्साहित करे तो मुकाबला हो सकता है, वरना चाइनीज सामान काफ़ी सस्ता मिल रहा है। मेरा नाम रणवीर सिंह है जी। रणवीर सिंह जी, चाइना की भी आइटम है, आप भी कुमार है, कई आइटम ऐसी भी आती है जो कलरफुल है, रंगीन दिए दिया है। हाँ जी, आप लोग किस तरीके से उस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं कि आप लोग भी जो मिट्टी के दिए थे उनको कलरफुल करने लगे? जी हाँ, हम भी अपना ऐसा है कि जब मेक इन इंडिया का जब मोदी जी ने ये चलाया था कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया का मतलब है हमारी इंडिया, हाँ हमारी इंडिया। अब मान चलो जो बेनिफिट होता है वो सारा हमारा इंडिया का चीन ले आता है ज़्यादातर है, तो जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, इनको ऐसा व्यवसाय मिलना चाहिए। मिट्टी के बर्तन हुए, ये आप जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे अब उनमें रंग भरने लगे, कलर डालने लगे हैं? हाँ जी, सारा कुछ उस पर हम टू कापी, उसके चाइना का जो माला आता है उसका सारा टू कापी बहुत कुछ करने लगे हैं हम उस पर बहुत, जैसे दिए आते हैं उनके रंग बिरंगे, लाइटें आती हैं, खैर लाइटों का अभी सिस्टम हम नहीं दे पा रहे क्योंकि अभी जल्दी में ही ये जो है काम हमारा जो है उसका रंग है उन पर कर रहे हैं। कौन सी चीज़ बनाने लगे आप लोग? मिट्टी में जी हम कलरफुल दीवे हैं, कलरफुल जो है गुल्लक हैं, कलरफुल जो है ये चूहे के गणेश जी हैं, जो है पूजा पत्री में जो आने वाले जो सौदा है, सारी सौदा को हम कलरफुल बना के तैयार कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे जो है हमने ये जो कर रखा है यहाँ पे। चाइना का जो माल आता है जो कलरफुल आता है उसको हूबहू टक्कर दे पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हूबहू अभी टक्कर इसलिए नहीं दे पा रहे कि उनका टेक्निकल नॉलेज का मामला है, हमारा ये टेक्निकल नॉलेज का मामला नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ हाथ का मामला है, ये हाथ की मिट्टी जो मिट्टी गूंद के हम जो बनाते हैं हमारा इसका वो है, तो टेक्नोलॉजी थोड़े आगे बढ़ जाती है। जो लोग चाइना का सामान लेते हैं और जो आप हमारे जो पारंपरिक कुम्हार हैं, तो अपील करना चाहेंगे उन लोगों से कि जो अपने जो इंडिया उसकी तरफ ले। हाँ जी, हम जी अभी सब भारतवासियों से, सभी इंडियन वासियों से हमारा यही गुजारिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने जो कुम्हार बर्ती के जो बर्तन बनाते हैं इन लोगों से ही, या कोई और प्रजाति से कोई सामान अच्छा बनाता है तो अपने देश के ही लोगों से सामान खरीदा जाए, और चाइना की जगह जो दीपक आप जो जलाते हो, आप लोग लड़ियां जलाते हो, आप दीप इतनी ही उसमें आप अपना कम पोजीशन में आप जो है ये कुमारगिरी का बर्तनों का जो आइटम जलाएं। जी क्या नाम है आपका? विनीत गौतम। विनीत गौतम जी, दिए लेने के लिए आए, रंग बिरंगी भी दिए जो है चाइना की तरफ से मार्केट में बिकते हैं, और क्या लग रहा है जो सरकार भी कह चुकी है कि अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, मेक इन इंडिया की तरफ ध्यान देना चाहिए? सर मैं आपको बताता हूँ, जो चाइना के दिए ना वो आपको मिल जाएंगे 10 रुपये के 20, और जो मेक इन इंडिया की जिसकी हम बात करते हैं वो मिलते हैं 10 रुपये के 10। तो चाइना से बाहर से सामान आता है जबकि वो सस्ता पड़ता है, तो पहली बात तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, कोई तरह की सब्सिडी या किसी भी चीज़ में हेल्प करके करेगी वो आत्मनिर्भर बने, खाली भाषण देने से आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे लोग। अब मैंने दिए लिए 10 रुपये के 20 मिले हैं मेरे को, तो चाइना की चीज़ हमें सस्ती मिलती है और इंडिया की महंगी मिलती है, ऐसा क्यों? तो सरकार को सोचने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को सरकार मदद करती नहीं है, बाहर से सामान मंगाया जा रही है धड़ल्ले से। अब दिवाली आई है, आपने देखा सरकारी नई नौटंकी चालू हो जाएगी कि अपने स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं। भैया स्वदेशी तो अपनाएंगे, पर जब बाहर की चीज़ लोगों को सस्ती मिल रही है तो लोग तो बाहर की खरीदेंगे ही खरीदेंगे, आप उसको अंदर आने ही मत दो, अपने देश में आने ही मत दो, तो लोगों की मजबूरी बन जाएगी और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, इससे अपने लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारतीय जो किसान है वो भी रंग बिरंगे बना, लेकिन उनका ये कहना है कि
चाइना का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, उसी को भी बना पा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या सरकार को भी इस मामले में लोगों की मदद करनी चाहिए? सर उसका एक रीज़न है ना, अगर ये लोग आज कोई मशीन लगाते हैं मान लो दिए बनाने की चाइना के मुकाबले, पहली बात तो हमारे पास उतनी मशीनरी की फैसिलिटी है नहीं, और दूसरा कोई ले जाके कहीं से लगाता है तो उस पर अधिकारी लोग पहुंच जाते हैं कि हाँ जी आप फैक्ट्री कैसे चला रहे हो, एमसीडी वाले पहुंच जाएंगे दो मिनट में सील करने के लिए, फिर आप उनको भी महीना दोगे, एमसीडी वालों को महीना देना, अधिकारियों को महीना देना, पुलिस वाले भी पंगा डालते हैं कहीं ना कहीं पर, तो लागत आ ही नहीं पाती है, तो लोगों पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए मजबूरी में चाइना का इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। अब ये सरकार के हाथ में है कि इसकी रोकथाम कैसे करें।